21वीं सदी में भारत एक और जहां विश्व गुरु बनने की राह पर खड़ा है, वहीं दूसरी तरफ हमारा समाज आज भी छुआछूत और भेदभाव की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। जबकि हमारे देश का संविधान सभी को समानता का अधिकार देता है, बावजूद इसके सामाजिक व्यवस्थाएं सामाजिक समानताओं को खुली चुनौती दी जा रही है, जिसके चलते आज भी छुआछूत और भेदभाव का अंतहीन सिलसिला देखा जाता है। आपको बता दें कि छुआछूत, भेदभाव और बहुजनों पर अत्याचार की तस्वीरें यूं तो देश के कोने कोने से आती रहती है, वहीं उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से भी ऐसे ही अत्याचार के मामले आए दिन सामने आते हैं। कुछ दिन पूर्व गोंडा जिले के वजीरगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत बहुजन समाज के परिवार के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। अभी ये मामला शांत भी नहीं हुआ था कि कोडिया बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक महिला का पैर सामंतवादी जमींदार की जमीन पर पड़ने से महिला के साथ मारपीट की गई। युवक बालक राम का आरोप है कि उसकी पत्नी पड़ोस के रहने वाले हीरालाल पांडे के खेत से होते हुए अपने खेत में चली गई, जिसके बाद दबंग ने महिला की पिटाई कर दी। जब परिजनों ने इसका विरोध किया तो दबंगों ने घर में घुसकर पूरे परिवार के साथ मारपीट की। पीड़ित परिवारजनों ने उसकी शिकायत कौड़िया थाने में की तो थाना अध्यक्ष ने शिकायत सुनने के बजाय पूरे परिवार को थाने से भगा दिया, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने मजबूर होकर कलेक्ट्रेट परिसर के सामने धरना प्रदर्शन किया। साथ ही उन्होंने इन सब चीजों को लेकर विरोध भी जताया। बता दें, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का आश्वासन सिटी मजिस्ट्रेट ने दिया, साथ ही अनशन समाप्त करने की बात कही। हालांकि पीड़ित युवक ने बताया कि अगर उसे न्याय नहीं मिलता तो वो 3 दिन बाद अपने परिवार के साथ आमरण अनशन पर बैठेगा। वहीं पूरे मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि फिलहाल आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, आगे कार्रवाई की जा रही है। गोंडा से तुफेन खान की रिपोर्ट। पीड़ितों को न्याय दो, साहब। हम अपना क्या नाम आउट दलित हैं और उसके जमीन में पैर पड़ गया था, पंडित हैं वो लोग, उनके जमीन में पैर पड़ गया था, इसीलिए वो मारने लगे और हमारी जनानी गोबर लेके जा रही थी, वहां से जब लौटी तो वो जात सूचक शब्दों का प्रयोग करते हो तो वो उन्होंने मना किया कि हम मारेंगे तुमको, यहाँ रहने नहीं देंगे। तभी इन्होंने घर में जब आई मेरी जवानी तो उसको वहां से खींच करके मारने लगे। हम लोग जब तक पहुंचे तब तक हमको भी मारने लगे और खींच लिए घर से बाहर और बहुत मारा। देखिए, बहुजनों पे अभी इतना ज्यादा अत्याचार हो रहा है और आए दिन प्रशासन के हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है। इस प्रकरण को लेके थाना इंचार्ज से मैंने स्वयं बात किया था, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया। मैं वहां गया भी था, वो मेरे सामने ही कहते हैं कि यहां पर कोई लड़ाई ही नहीं हुई है, जबकि मेडिकल रिपोर्ट भी पास अवेलेबल है, चोट भी लगी है। और थाना इंचार्ज क्या करते हैं, सत्ता के दबाव में हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से अगर ये चलता रहा तो भीम आर्मी क्या है कि जन आंदोलन की तैयारी कर रही है। जनपद गोंडा थाना कौड़िया, ये भरथाई ठैया गांव का मामला है। इनका बालक राम जी हैं, उनका उनके पड़ोसी जो है हीरालाल पांडे, जो उनका विवाद था, इसके बाद इनका बालक राम जी का ये कहना है कि उनको उन्होंने हमारे साथ मारपीट की है और गालियाँ दी हैं, अपमानित किया है। इस संबंध में उनसे तहरीर प्राप्त करके अभी पंजीकृत किया जा रहा है। क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज को इसमें पूरे प्रकरण की जाँच के लिए लगाया गया, जो भी साक्ष्य प्राप्त होंगे उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। छुआछूत के मामले को लेकर गोंडा जिले में दलितों पर अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अभी कुछ दिन पूर्व वजीरगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक दलित की थाली सरवण समाज के व्यक्ति से छू जाने पर दलित परिवार की जमकर पिटाई हुई थी। अभी वो मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि कौड़िया बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक दलित परिवार का पैर सरवण समाज के जमीन पर पड़ जाती है। तभी सरवण समाज के लोग उस दलित परिवार पर मारपीट करना शुरू कर देते हैं। जब इसकी शिकायत दलित परिवार थाने में जाकर करता है तो थाने वाले उसे वहां से भगा देते हैं, जिसके बाद दलित परिवार कलेक्ट्रेट में आकर धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर है। अब देखने वाली ये बात होगी कि इनके ऊपर अत्याचार को लेकर अब इनको न्याय कब मिलता है। एमके न्यूज चैनल के लिए गोंडा से तुफैल खान।